देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनू शर्मा। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं सोशल मीडिया से जुड़ने को अपराध माना जा रहा है। साथ ही अगर हम आपको ये बताएं कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने से एक लड़की मंडप पर लड़की का इंतज़ार करती रह गई और बारात नहीं आई, तो हैरान मत होइए, क्योंकि ये एकदम सच है। एक लड़की की शादी बस इसलिए टूट गई क्योंकि वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करती थी। हमारी ज़िंदगी में सोशल मीडिया का क्या महत्व है, ये हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़िंदगी की शुरुआत तो सोशल मीडिया से ही होती है, लेकिन शादी बस इसलिए तोड़ देना, ये बात हजम नहीं हुई। अब आपको बताते हैं कि ये मामला कहाँ का है। ये मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है। जी हाँ, वही योगी सरकार का उत्तर प्रदेश। अमरोहा जिले के नौगांव सदत गांव में लड़की और उसके रिश्तेदार शादी के दिन दूल्हे और बारात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारात आने के कुछ समय पहले ही लड़कों वालों ने फोन पर बताया कि उन्होंने ये शादी तोड़ दी है। ये बात सुनकर लड़की वाले हैरान हो गए। एक लड़की की शादी का दिन और बारात ना आए, हमारे समाज में अगर शादी के दिन बारात ना आए तो सब लड़की को दोष देने लगते हैं, लोग लड़की को ताने देने लगते हैं, लड़की की इतनी बेइज्जती कर देते हैं कि आने वाले समय में उसकी शादी ही नहीं हो पाती। लेकिन समझ ये नहीं आता क्यों हर बार लड़की को दोष दिया जाता है। लड़का रिश्ता तोड़े तो लड़की की कमी, लड़की रिश्ता तोड़े तो भी लड़की की कमी, लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोचता कि कहीं लड़के की गलती भी तो हो सकती है। लेकिन कोई लड़का या उसका रिश्तेदार क्यों अपने आप में गलती बताएगा, ऐसे लड़के तो लड़कियों को बदनाम करने में लगे रहते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लड़की के रिश्तेदारों ने सारी बात लड़की के ऊपर डाल दी। लड़के के रिश्तेदारों ने शादी तोड़ने का कारण बताते हुए कहा कि लड़की को व्हाट्सएप की लत है और वह अधिक से अधिक समय व्हाट्सएप पर बिताती है, यही कारण है कि हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। लेकिन असली कारण ये नहीं था, असली कारण तो था दहेज का। शादी पक्की होने के समय लड़के ने दहेज की मांग नहीं की और अब शादी करने के लिए दहेज की मांग कर रहे हैं। लड़के वालों ने लड़की के रिश्तेदारों से कहा, अगर हम अब शादी करेंगे तो हमें 70 लाख रुपए देने पड़ेंगे। असली बात तो लड़के वालों की अब समझ आई, शादी के लिए 70 लाख, यानी 70 लाख लड़की वाले और लड़के वालों को दे दें तो वो लड़की को महारानी बनाकर अपने घर में रखेंगे। लड़के वालों का सारा खेल लड़की वालों को समझ आ गया था। दुल्हन के पिता उरोज मेहंदी ने लड़के के बाप के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कहा कि उन्होंने दहेज में उनसे 70 लाख रुपए की मांग की है। मेहंदी ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी फिकरपुरा में कमर हैदर के बेटे के साथ तय की थी। हमारे रिश्तेदार और दोस्त शादी के दिन दूल्हे और उसकी बारात का स्वागत करने के लिए पहुंच चुके थे। जब वह नहीं पहुंचे तो हमने कमर हैदर को फ़ोन किया। फ़ोन पर लड़के के पिता ने उन्हें इतना कहा कि वे शादी तोड़ रहे हैं। अमरोहा के SP विपिन टाणा ने कहा कि दूल्हे पक्ष ने कहा कि उन्होंने शादी 5 सितंबर को तय की थी। लड़के की व्हाट्सएप चलाने की आदत हद से ज़्यादा थी, वे शादी से पहले ही ससुराल वालों को मैसेज किया करती थी। आखिर लड़की मैसेज करे भी क्यों ना, आखिर नंबर भी तो इसी वजह से एक्सचेंज होते हैं। लड़की व्हाट्सएप पे मैसेज इसलिए किया करती थी क्योंकि वह शादी से पहले ही लड़कों वालों से संबंध बनाना चाहती थी ताकि उसे शादी के बाद एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन लड़के वालों ने इस चीज़ को गलत वे में ले लिया, आखिर ये केस भी दहेज पर आकर ख़त्म हो गया। व्हाट्सएप चलाने का कारण तो बस कहने के लिए था, लेकिन क्या ऐसा करना सही था? सरेआम लड़की की बेइज्जती करना सही था? उसमें दोष निकालना सही था? हमें नहीं लगता कि ये सही था। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।